मैं हूँ लखनऊ के बस अड्डे में, जो कि आलमबाग का बस अड्डा है, और मैं वेट कर रहा हूँ मेरी बस के स्टार्ट होने का। और 15 अगस्त की तारीख है आज, और यहाँ पर लगा हुआ एक बहुत बढ़िया आज़ादी का अमृत महोत्सव का स्टेज पूरा। ये बापू जी दिख रहे हैं आपको, गांधी जी, और यहाँ आके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हर 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 घर तिरंगा वाली कैंपेन तो मोदी जी ने लॉन्च की है, देख रहे हैं आप। ये 1857 क्रांति की गुण महासंग्राम मंगल पांडे, ये भी कुछ सोशल फ्रीडम फाइटर्स, जिसमें से लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, आज़ाद, कुछ स्वतंत्रता सेनानी, और जिसमें रानी लक्ष्मीबाई भी है, गोविंद वल्लभ पटेल, मंगल पांडे। और ये डिजिटल इंडिया के बारे में बताते हुए, बेसिकली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, तो उत्तर प्रदेश की कुछ स्कीमें हैं यहाँ पर। अगेन आप देख रहे हो साइड में आपको सुभाष चंद्र बोस, और इधर गांधी जी दिख रहे हैं। ये बेसिकली एक छोटी सी कैनोपी है यहाँ पे सब लगाया गया है, और मेन जो चीज़ इसके लिए बनाया गया वो यहाँ पर मेक इन इंडिया दिखाया गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव आप देख सकते हो। ये है लखनऊ का आलमबाग स्टैंड, बस स्टैंड है वहाँ पर है, ये छोटा सा बनाया गया है, अच्छा लग रहा है देखने में, फोटो बूथ टाइप का है। और आगे एक टेलीविजन भी था, एक्चुअली टाइम हो गया ज़्यादा, सब अच्छे हो गया, ये बंद होने जा रहा है, अदरवाइज यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चल रहा होता, यहाँ पर भी कुछ चल रहा होगा। अच्छा, तो इस पर लगा क्या है, एग्जीबिशन है इसमें कुछ? तो गाइस इस पे भी कुछ ना कुछ, बेसिकली कुछ ना कुछ, ये जो थीम चल रही है फ्रीडम फाइटर की, इसी में ही कुछ ना कुछ चल रहा था, लेकिन अभी लाइट चली गई है और टाइम भी हो गया, एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया इस वजह से। ठीक है, क्या टाइमिंग है? अच्छा, 9 बजे से अच्छा 200-300 आ चुके हैं। कब बंद होगा ये? चार दिन के लिए आप आ सकते हो भैया, अगर आप जर्नी कर रहे हो तो आ सकते हो, बाकी फोटोज वोटोज खिंचा सकते हो। मेन तो वही है, मैं जो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। धन्यवाद। ये बस अड्डा, यहाँ पे ढेर सारी बसें लगी हुई है, ये प्रयागराज की लगी हुई है, और ये लगी पवन हंस, सबसे महंगा किराया है, और पूरा एसी है ये वाला। और आगे अपनी लगी हुई है आनंद विहार दिल्ली की, ये बेसिकली आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हो, लेकिन हमने ऑनलाइन बुक नहीं कराया, ऑनलाइन बुक दिख नहीं रही थी, और जब हम यहाँ पे वॉक इन करके आए तो हमको बेसिकली ये वाली जो जनरत है इसमें हमें जगह मिल गई है, और आप बिना रिजर्वेशन कराए बैठ सकते हो आराम से। ये बस है, अंदर से भी आपको दिखाता हूँ कैसा है। टाइम हो चुका है लगभग 6:15 बजे, बोल रहे थे 6:15 बजे चल देगी, आगे अंदर चल के दिखाता हूँ। आइए, ड्राइवर की सीट, पंखा लगा हुआ है, पर चालक की सीट कुछ ऐसे दिख रही है, पंखा लगा हुआ है, ये देखिए स्विच भी है, एक पैनिक स्विच भी है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप दबा सकते हो, और इमरजेंसी लाइट भी है, पता नहीं चलता है नहीं चलता, लेकिन आपातकालीन लाइट लगा रखी है। नॉर्मली अगर आप वॉल्वो से जाओगे तो यहाँ पर एक टीवी लगी रहती है, ऊपर भी पंखे, सामान वामान रखने का, लाइट वाइट बढ़िया है। ये रही पूजा, क्या लगता है इस बस में तुम्हारा कुछ हो पाएगा? थक जाएंगे, ये बोल रही थी इनका कोई दोस्त है, बोला था कि टिकट कंफर्म करा देगा, टिकट कंफर्म हुई नहीं इनकी ट्रेन की, तो ये बस से आ रही हैं। और हाथ हटाओ मोबाइल का, सॉकेट है भैया, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, देखते हैं, बस स्टॉप स्टार्ट होती फिर बताते हैं आपको आगे। पूजा जी इस समय ट्रेन नहीं बस यात्रा कर रही है, टिकट कराया था इनका जो कि फेल हो गया, इनका बैग टंगा हुआ है, इनका चिप्स, और ये भी जूस है। अब ये जूस वाले जब ये देते हैं तो ये प्लास्टिक का नहीं होता, ये बेसिकली प्लास्टिक हटा के इन्होंने पेपर का कर। ये हमारी बस जो कि बस अड्डे पर खड़ी हुई लखनऊ, टाइम होना इन्होंने 6:30 बजे चलने का। ये रेवड़ी भी मिलती है, ये रेवड़ी बेच रहा है बंदा, और एक पीछे चिप्स बेच रहा है, वो रहा पीछे है चिप्स बेच रहा है वो,
नॉर्मली वॉल्व में लोग घुसते नहीं है। हमने तो यहाँ से ये जो दुकान दिख रही है आपको, ये यहाँ से हम लोग लेके आए चिप्स, ये रखा हुआ है, ये जूस, ये आधा खा पी चुकी हैं पूजा। टाइम हो चुका है 6:30, अभी तक बस नहीं चली है। बोल रहा था 35 लोग हो जाएंगे तो चल जाएगी। पूजा का लेवल 1 हो चुका है अभी। देखो कर रहे हैं बाय बाय, और हमारी फाइनली बस जो है वो चल दी है आलमबाग बस अड्डे से। टाइम बोला था इसने 6:15, लेकिन टाइम हो रहा है 6:40। निकाल दिया है इसने अपने पार्किंग स्थल से और आगे ले जा रहा है। आई होप हम लोग टाइम से पहुंच जाएं। यहाँ पर लगाया था इसने पार्किंग पे, और एक जन्नत लगी हुई है, प्रयाग लगी है, पिंक सेवा भी चलती है साई बाबा डिपो, वो लगभग हम लोग जब 5:30 बजे थे तब भी थी ये लगी हुई है कॉर्नर पर। ये पिंक की दिख रही है आपको, आगे चलते हैं बताते हैं। एक पिंकी ये भी लगी हुई है, ये राप्ती नगर डिपो है। बाकी रिपोर्ट, पंखा ठीक चल रहा है, एसी ठीक चल रहा है, लाइट ठीक चल रही है, सॉकेट का भी पता नहीं, आगे बताएंगे आपको सॉकेट चल रहा है कि नहीं। धन्यवाद। ये है आलमबाग का मेट्रो, यहाँ से आप उतर के भी आ सकते हो, ले सकते हो, डायरेक्टली 4 बाग से भी आती है। और ये पूरा बस अड्डा सजाया गया है पूरा, एक्चुअली आप देखो तो पूरा राइट साइड लगे हुए। टाइम हो गया है मतलब 6:30 लगभग, 7:40 हो गया, चल दिया। अब आगे चलते हैं, बताते हैं आपको कैसी रही जर्नी। तो क्या एक्सप्रेस वे से जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे? तो ये वाली गाड़ी तो एक्सप्रेस वे से चल रही है, लेकिन भाई साहब बार बार रुक रुक के चल रही है, सवारियों को उठा के चल रही है। ऑनलाइन बुकिंग वाली गाड़ी नहीं थी, और ऑफलाइन बुकिंग वाली गाड़ी थी। फाइनली जो है 7:15 हो गया, टिकट ले लिया हमने, टिकट पड़ी है लगभग 941 रुपये की एक बंदे की। हमने 2 टिकट लिए, मैं और पूजा, और ये सेक्टर 37 तक है। पहला टोल पार किया है बस ने, टाइम अगेन 7:40 हो गया है, और यहाँ रुक गई है ये वाले स्टॉप। हाँ रुका है इसने अनीस फूड प्लाजा, ये रहा हाईवे। हमारे 10:30 बजे, और इसमें ऊपर हाईवे है, हाईवे से इसने रोका है, ये रही मेरी बस, हाईवे से इसने रोका है महेश झाटू के होटल में, देख रहे हैं ये होटल है, यहाँ पर रोका है इसने, झाटू का होटल है, इन लोगों की सेटिंग वेटिंग होती होगी, आगे दिखाता हूँ मैं कहाँ से कमला पड़ा हुआ है यहाँ पर। जैसे मोड़ के वापस ले जाए, और एक बस ये भी खड़ी हुई है, क्या हाल है यहाँ। बज रहे हैं 12:05, हम लोग रुक गए यहाँ पर, टॉयलेट आ रही थी, मैं ड्राइवर का बहुत मन हवा चल रही। टाइम हो रहा है 4:20, और पहुँच गए हैं अक्षरधाम। ये हमको 3:30 बजे लगभग इसने उतारा है, ये जो ग्रेटर नोएडा, नोएडा वाला जो रोड था वहाँ से 3:30 बजे था, 3:30 से फिर हम लोग लगभग अंदर की ओर आए हैं, महामाया क्रॉस करते हुए लेके आया, लेकिन हम लोग उतर गए हैं अक्षरधाम पे, फाइनली घर जा रहे हैं। ऑटो मिल गया, ऑटो वाले ने भैया रोक दिया, और जा रहे हैं हम लोग।